स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टुडेज व्यू पर। नागपुर मुंबई समृद्ध एक्सप्रेसवे सीरीज में आज हम पहुंचे एक स्पेशल लोकेशन पर, और ये है शिवनी इंटरचेंज पॉइंट, जो कि बनाया जा रहा है पैकेज नंबर 3 में कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जैसा कि इस बोर्ड पर दिखाया गया है, यहाँ पर बनाया जा रहा है एक बहुत बड़ा सर्कल, और ये सर्कल बनाया जा रहा है अमरावती यवतमाल रोड पर, और इससे जाना जाएगा शिवनी इंटरचेंज के नाम से, जो कि नांदगांव खंडेश्वर के पास आता है। और ये इंटरचेंज ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, जो भी व्यूअर्स चैनल पर नए आए हैं, उन्हें हम बताना चाहेंगे कि अभी हम इस वक्त व्यू कर रहे हैं पैकेज नंबर 3 में इंटरचेंज नंबर 7। तो चलिए व्यू करते हैं इंटरचेंज नंबर 7। जो भी व्यूअर चैनल पर नए आए हैं, उन्हें हम बताना चाहेंगे कि शिवनी इंटरचेंज बनाया जा रहा है अमरावती यवतमाल रोड पर। तो इस इंटरचेंज से यवतमाल की दूरी रहेगी लगभग 55 किलोमीटर और अमरावती की दूरी रहेगी 45 किलोमीटर। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सर्कल बनाया जा रहा है फ्रेंड्स। ये जो रोड आती हुई आप देख रहे हैं, यह आ रही है यवतमाल की तरफ से, और यहाँ पर इस इंटरचेंज से 1 किलोमीटर की दूरी पर आपको पुराना वाला नागपुर मुंबई हाईवे मिलेगा, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और उसे क्रॉस करके सीधा जाने के बाद आप यवतमाल जा सकते हैं। तो ये रोड आ रही है यवतमाल से, और इस ब्रिज के नीचे से होते हुए ये निकल जाएगी अमरावती के लिए। और ये जो सर्कल है, ये देख सकते हैं आप, ये जो ब्रिज के नीचे से आती हुई रोड आप देख रहे हैं, ये आ रही है अमरावती की तरफ से, और ये सीधी चली जाती है यवतमाल की तरफ। तो काफी बड़ा इंटरचेंज यहाँ पर बनाया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर PQC टॉप लेवल पूरी तरह से बन चुका है, लेन मार्किंग कर दिए गए हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स भी लगा दिए गए हैं, साइन बोर्ड्स की व्यवस्था यहाँ पर जारी है, और ये पैकेज अपने अंतिम चरण में आ चुका है। 95 से 98% यह इंटरचेंज बनकर तैयार हो चुका है। इसे हम ये एक राउंड है फ्रेंड्स, और काफी बड़ा राउंड है। चलते हैं आगे और व्यू करते हैं इस इंटरचेंज को। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे, इस दिशा में मुंबई के लिए एंट्रेंस दिया गया है, ये साइन बोर्ड आप देख सकते हैं, और ये जो रोड है ये आ रही है यवतमाल की तरफ से, और इस तरफ ये मुंबई के लिए जाएगी। समृद्धि महामार्ग ऊपर से निकलता है, जैसा कि हमने पहले बताया, यहाँ पर एक बड़ा सर्कल बनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं, और इस रोड से आप मुंबई की ओर जा सकते हैं, और सीधी ये रोड अमरावती के लिए निकल जाती है इस ब्रिज के नीचे से। और काफ़ी बड़ा इंटरचेंज है और सिंपल तरीके का इंटरचेंज है फ्रेंड। यहाँ पर धामनगांव इंटरचेंज के जैसा एक टोल बूथ नहीं है, यहाँ पर 4 सेपरेट टोल बूथ बनाए जा रहे हैं, जो कि 2 एंट्रेंस के लिए रहेंगे, 2 एग्जिट के लिए रहेंगे। और यहाँ पर देखिए आप, कितना बड़ा ब्रिज बनाया जा रहा है, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, कुछ फाइनल टच इस पर जारी है। और बात करें इस लोकेशन की, तो यह लोकेशन 15-20 दिन या फिर 1 महीने में पूरी तरह से रेडी हो जाएगी। और ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, यहाँ पर लाइट्स की भी व्यवस्था कर दी गई है, फाइनल टच देने का काम यहाँ पर जारी है, आप देख सकते हैं। लगभग 15-20 दिन या 1 महीने में यह पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा।
फ्रेंड्स, जिस तरह से आप देख रहे हैं ये मेन समृद्धि महामार्ग है और मुंबई के लिए एंट्रेंस के लिए ये टोल दिया गया है और इस बूथ के जरिए आप क्रॉस होकर इस रोड से मुंबई की ओर जाने के लिए समृद्धि महामार्ग पर आ सकते हैं। काफ़ी बड़ा इंटरचेंज है फ्रेंड्स ये, और यहाँ से काफ़ी दूर तक रोड दिखाई देती है बिल्कुल सीधी एक लाइन में, तो वो भी हम आपको जूम करके दिखाने की एक बार कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं काफी दूर तक फ्रेंड्स, वीडियो में आप देख सकते हैं कि काफी दूर तक आपको रोड दिखाई देती होगी। बात की जाए फ्रेंड्स इस लोकेशन की, तो यहाँ पर दोनों ओर से पूरी तरह से रोड बनकर तैयार हो चुकी है, लेन मार्किंग कर दिया गया है, स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था भी कर दी गई है, ये आप देख सकते हैं। और ये दोनों बूथ जो आपको देख रहे हैं, ये जो बूथ है ये है मुंबई के लिए एंट्रेंस, और ये जो बूथ है ये है मुंबई से आते वक्त एग्जिट के लिए। तो बिल्कुल सिंपल तरीके का यहाँ पर इंटरचेंज बनाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, जो भी व्यूअर चैनल पर नए आए हैं उन्हें हम बताना चाहेंगे कि नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग टोटल 16 पैकेजेस में बनाया जा रहा है, 25 से ज़्यादा इंटरचेंजेस इस महामार्ग पर रहने वाले हैं, तो जिसमें से अभी हम व्यू कर रहे हैं इंटरचेंज नंबर 7 जो कि आता है पैकेज नंबर 3 में। इसे बनाने का काम मिला है NCC कंपनी को और ये 98% आज की डेट में रेडी हो चुका है। बचा हुआ काम 15-20 दिन या फिर एक महीने में कंप्लीट कर लिया जाएगा, उसके बाद में यह इंटरचेंज ट्रैफिक के लिए खुला हो सकता है। तो यहाँ पर जो सर्कल बनाया जा रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोड जो है वो लेफ्ट साइड में मुड़ रही है, तो उसी मुड़ाव पर सर्कल को बनाया गया है और यह इंटरचेंज अमरावती यवतमाल रोड पर स्थित है। काफ़ी सिंपल तरीके का है, यहाँ पर मीडियन को भी अंतिम शेप दे दिया गया है। एक बार घूम करके दिखाने की कोशिश करते हैं। ये नागपुर की साइड है फ्रेंड्स और यह मुंबई की साइड। तो फ्रेंड्स, ये जो रोड आप आज भी देख रहे हैं ये आ रही है मुंबई की तरफ से, और मुंबई की तरफ से आने के बाद इस रोड के जरिए आपको इस रोड क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद में आप अमरावती या फिर यवतमाल के लिए जा सकते हैं। और तो ऐसे ही दो टोल बूथ आगे बनाए जा रहे हैं जो कि नागपुर के लिए एग्जिट और नागपुर से एंट्री के लिए आपको दिए गए हैं। और बात की जाए इस लोकेशन पर, तो यहाँ पर जो क्रैश बैरियर है ये आप देख सकते हैं पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुके हैं, और साथ में ही जो कंपाउंड वॉल है उसका काम भी यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से हो चुका है। तो फ्रेंड्स, यह है मुंबई से आते वक्त एग्जिट के लिए बनाया गया टोल बूथ, और यहाँ पर भी तीन टोल बूथ बनाए गए हैं, एक टोल बूथ एक लाइट कमर्शियल व्हीकल और एक मल्टी एक्सल और हीवी व्हीकल्स के लिए। तो यहाँ पूरी तरह से इंस्टॉल कर दिया गया है, यहाँ पर सिग्नल और लाइट्स की व्यवस्था कर दी गई है, कैमराज भी लगभग इंस्टॉल कर दिए गए हैं और बस अंतिम दौर में चल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो रोड आ रही है ये आ रही है मुंबई से एग्जिट वाली, और इस रोड से आने के बाद आप अगर लेफ्ट साइड जाते हैं तो आप अमरावती की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको यवतमाल की तरफ जाना है तो आपको यहाँ पर एक सर्कल लगाना पड़ेगा जो कि सीधा जाता है, यहाँ से सर्कल लेकर आप समृद्धि महामार्ग के नीचे से आगे से आप यवतमाल के लिए निकल सकते हैं। तो इस साइड में ये आधा सर्कल है और ब्रिज की दूसरी साइड में आधा सर्कल दिया गया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से लेन मार्किंग करके इसको रेडी किया गया है। कंपाउंड वॉल का काम आप देख सकते हैं अंतिम दौर में पहुँच चुका है, और धीरे धीरे अब यहाँ का प्लैंड भी खाली होने लग गया है,
यहाँ पर काम खत्म होने को आया है। और बात की जाए इस ब्रिज की, तो ये ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर डामर की सड़क बना दी गई है, लेन मार्क कर दिया गया है, क्रैश बैरियर भी रेडी कर दिए गए हैं, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था भी कर दी गई है और साथ ही में हाईमास्ट लाइट की भी व्यवस्था कर दी गई है। तो काफ़ी बड़ा इंटरचेंज यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल अमरावती और यवतमाल के लोग ज़्यादातर करेंगे। मुंबई से आने के बाद यवतमाल के लोग यहाँ से यवतमाल जा सकते हैं और अमरावती के लोगों के लिए एक इंटरचेंज इसके पहले कारंजा लाड में दिया गया है। तो शायद अमरावती के लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे और आसपास के इलाकों के लोगों के लिए यह इंटरचेंज मददगार साबित होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं और काफ़ी बड़ा ब्रिज यहाँ पर बनाया गया है, लगभग 25 से 30 फीट की हाइट पर अभी हम खड़े हैं। काफ़ी वक्त लगा इसे बनने में और अभी ये सर्कल पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। और यहाँ पर कुछ मामूली काम बचा है जो अंतिम दौर में चल रहा है, इसलिए यहाँ पर आपको कॉन्क्रीट मिक्सर दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लगभग इस इंटरचेंज के सेंटर में आ चुके हैं। तो अब बात करते हैं डिस्टेंस की, तो हमें लगा है यहाँ पर एक साइन बोर्ड, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से धामनगांव की दूरी है 40 किलोमीटर, वर्धा की है 90 और नागपुर की है 161। तो जो भी व्यूअर चैनल पर नए आए हैं उन्हें हम फिर से एक बार बताना चाहेंगे कि नागपुर की दूरी 161 है, ये सिटी की दूरी है और समृद्धि महामार्ग का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो नागपुर सिटी से 22 किलोमीटर दूर शिवमड़का गाँव में स्थित है। और यहाँ से शिवमड़का की दूरी 139 किलोमीटर रहेगी इस दिशा में। और बात की जाए यहाँ से समृद्धि महामार्ग के एंड पॉइंट की, तो वो है यहाँ से 562 किलोमीटर और वहाँ से मुंबई की दूरी 50 किलोमीटर रहेगी। समृद्धि महामार्ग का जो एंड पॉइंट है वो है आमने गांव में, जो कि आता है ठाणे डिस्ट्रिक्ट में। और इस दिशा में आप अमरावती की तरफ जा सकते हैं, अमरावती की दूरी यहाँ से 45 किलोमीटर रहेगी। और इसकी अपोजिट साइड आप यवतमाल की तरफ जा सकते हैं, यवतमाल की दूरी यहाँ से 55 किलोमीटर रहेगी। तो इस सेंटर से अब चारों दिशाओं की दूरी हमने आपको बता दी है। तो जब भी आप इस रास्ते पर ट्रैवल करें तो यह बात ज़रूर ध्यान में रखें कि स्टार्टिंग पॉइंट और जो एंड पॉइंट है समृद्धि महामार्ग का, दोनों भी सिटी से बाहर रखे गए हैं। स्टार्टिंग पॉइंट से नागपुर सिटी की दूरी 22 किलोमीटर और एंड पॉइंट से मुंबई सिटी की दूरी 50 किलोमीटर रहेगी। फ्रेंड्स ये जो देख रहे हैं आप, ये अमरावती की ओर जाने वाली रोड है। जो रोड स्लोप से आ रही है वो रोड मुंबई से एग्जिट लेकर आ रही है, जो रोड ब्रिज के नीचे से आ रही है वो यवतमाल की तरफ से आ रही है, और राउंड लेकर जो रोड सीधी जा रही है वह नागपुर के लिए एंट्रेंस वाली रोड है, और जो रोड ब्रिज के नीचे से जा रही है वो है यवतमाल की। तो यहाँ पर ये आपको यहाँ से इस हाइट से यह हाफ सर्कल पूरी तरह से दिख जाएगा। तो अगर कोई अमरावती से आता है उसे नागपुर जाना है तो इस रास्ते से जाकर नागपुर के लिए एंट्री ले सकते हैं। अगर अमरावती से आने वाले व्यक्ति को मुंबई की ओर जाना है तो यहाँ पर उनको एक सर्कल लगाना पड़ेगा इस ब्रिज के नीचे से, बाद में वह राइट जाकर मुंबई के लिए एंट्रेंस ले सकता है। कोई व्यक्ति अगर यवतमाल की तरफ से आता है और उसे नागपुर की ओर जाना है तो उस व्यक्ति को इस ब्रिज के नीचे से आना पड़ेगा, यहाँ पर एक पूरा सर्कल लगाना पड़ेगा और इस दिशा में नागपुर के लिए एंट्रेंस मिलेगा। और अगर उसे मुंबई के लिए एंट्रेंस लेना है तो वो वहाँ से डायरेक्ट लेफ्ट जाकर मुंबई के लिए एंटर हो सकता है। तो ये कुछ इस तरह का इंटरचेंज है।
काफ़ी व्यूअर्स ने हमें कमेंट में पूछा था प्लांटेशन के बारे में, तो एक बात बता दी कि प्लांटेशन की शुरुआत अभी पूरी तरह से हुई नहीं है, कुछ कुछ जगहों पर किया गया है वो भी इंटरचेंज पर ही दिखता है, और बाकी जगहों पर प्लांटेशन की शुरुआत अभी तक नहीं की गई है। तो फ्रेंड्स, कुछ व्यूअर्स ने हमसे नवनगरों के बारे में पूछा था, तो उन्हें हम बताना चाहेंगे कि यहाँ से नांदगांव खंडेश्वर की दूरी 10 किलोमीटर है अमरावती रोड पर। तो जहाँ तक हमारी जानकारी है, वहाँ पर नया शहर विकसित किया जाएगा, लेकिन उसका लैंड एक्विजिशन चालू हुआ या नहीं उसकी जानकारी अभी तक हमें नहीं मिल पाई है। तो ये एक जगह है जहाँ पर नया नगर बसाया जाएगा, और बाकी और कितनी जगहों पर बसाया जाएगा इसकी जानकारी अभी हमें नहीं मिली है। तो जैसे ही हमें अपडेट मिलता है हम आपको ज़रूर बताएंगे। और बात की जाए अब इस पैकेज की, तो पैकेज भी 98% रेडी हो चुका है, और यह इंटरचेंज भी 1 महीने के अंदर तैयार हो जाएगा। तो यह काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग गाड़ी रोककर यहाँ पर फोटोशूट भी कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा सर्कल बनाया जा रहा है, शायद यहाँ पर आगे चल के गार्डन भी बनाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं अब अपडेट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम सर्कल की दूसरी साइड आए हैं, और यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत घास लगाई गई है, ये आप देख सकते हैं, और ये काफ़ी हरी हो चुकी है, तो काफ़ी दूर से काफ़ी खूबसूरत लगता है ये, क्योंकि अभी हम खड़े हैं तकरीबन 30 से 40 फीट की हाइट पर, और पूरी दीवार पर यहाँ पर ये हरे कलर की घास काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। तो ये दूसरी साइड है फ्रेंड्स सर्कल की, और ये जो गाड़ी आप जाती हुई देख रहे हैं ये जा रही है यवतमाल की तरफ। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर आपको पुराना वाला नागपुर मुंबई हाईवे मिलेगा, वहाँ से सीधा जाने पर आप यवतमाल की तरफ जा सकते हैं, लेफ़्ट जाएंगे तो आप नागपुर की तरफ जा सकते हैं, और राइट जाएंगे तो आप मुंबई की तरफ जा सकते हैं। और ये जो रोड आपको आती हुई देख रही है, तो ये जो स्लोप से रोड आ रही है ये आ रही है नागपुर से एग्ज़िट की ओर, और नागपुर से एग्ज़िट लेने के बाद अगर किसी को यवतमाल जाना है तो इस दिशा से जा सकता है, और अगर अमरावती जाना है तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा पूरा सर्कल, और सर्कल के बाद इस ब्रिज के नीचे से जाकर अमरावती के लिए जा सकते हैं। और यहाँ से हमें पुराना वाले नागपुर मुंबई हाईवे पर जो गाड़ियाँ चल रही है वो भी दिखाई दे रही है यहाँ से। तो फ्रेंड्स, ये है नागपुर के लिए एंट्रेंस वाला टोल बूथ, और यहाँ पर इस टोल बूथ का काम अंतिम दौर में आ चुका है, और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। तो इन चारों टोल बूथ का काम यहीं से ऑपरेशनल किया जाएगा, और यहाँ से आप एंट्रेंस ले सकते हैं नागपुर के लिए। तो अभी हम नागपुर की ओर जाने वाली लेन पर खड़े हैं, और बात की जाए इस लोकेशन की, तो यहाँ पर बिल्डिंग का काम पूरी तरह से हो चुका है, कुछ फिनिशिंग एक्टिविटी यहाँ पर चल रही है, वो भी बच्चे 15-20 दिन या फिर 1 महीने में पूरी तरह से रेडी हो जाएगी। और यहाँ पर पीछे में जो आप ब्लैक पाइप देख रहे हैं ये शायद गैस की पाइपलाइन है, इसकी अभी हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन बड़ी सी पाइपलाइन डालने का काम भी यहाँ पर अंतिम दौर में चल रहा है। इस बिल्डिंग पर भी लिखा गया है हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। तो एक बार जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे। हाल ही में इस एक्सप्रेसवे का नामकरण किया गया है, यहाँ पर हाई मास्ट लाइट की भी व्यवस्था की गई है, ये आप देख सकते हैं। और ये जो टोल बूथ है ये एंट्रेंस वाला टोल बूथ है, और ऐसा ही एक टोल बूथ इस साइड आप देखेंगे तो ये नागपुर से आते वक्त एग्ज़िट वाला टोल बूथ है। तो नागपुर से आने के बाद एग्ज़िट लेने के लिए आपको इस टोल बूथ को क्रॉस करना पड़ेगा, और आगे आप देख सकते हैं पूरी तरह से रोड बनकर तैयार, रेडी टू ड्राइव। एक बार जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं नागपुर से एग्जिट वाले टोल की तरफ, और देखते हैं उस टोल बूथ का काम कहां तक आया है।
ये जो रोड आप आती हुई देख रहे हैं ये आ रही है नागपुर की तरफ से, और एग्जिट लेने के लिए आपको इस टोल बूथ को क्रॉस करना पड़ेगा। और काफ़ी अच्छा सनसेट व्यू हमें यहाँ से मिल रहा है। तो ये नागपुर एग्जिट का टोल बूथ है फ्रेंड्स, इसे ज़रा नज़दीक से देखते हैं। तो यहाँ पर इस बूथ को ज़रा नज़दीक से ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर फैन और सीसीटीवी कैमरा हमें दिखाई दे रहा है। अभी फ़िलहाल तो ये बंद है, अभी ऑपरेशनल होने का है, लेकिन इसे बनाकर बिल्कुल तैयार कर लिया गया है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास भी लगाए गए हैं और सिग्नल की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पर डिजिटल बोर्ड आप देखेंगे। सीसीटीवी कैमरा ऑपरेशनल चालू है का? सीसीटीवी कैमरा भी ऑपरेशनल कर दिया गया है। तो अब शायद जैसे कि काका हमें बता रहे हैं, एक महीने में चालू हो जाएगा शायद। बराबर है काका? तो चलिए अब चलते हैं इस एग्जिट टोल से आगे। काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है इसका। तो नागपुर से आने के बाद आपको टोल बूथ मिलेगा। टोल बूथ क्रॉस करने के बाद आपको यहाँ से यवतमाल जाना है तो आप लेफ़्ट में जा सकते हैं। अगर अमरावती की तरफ जाना है तो यहाँ पर आपको एक राउंड लेना पड़ेगा। राउंड लगाकर आप ब्रिज के नीचे से जाकर राइट में अमरावती की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पर होता है यह इंटरचेंज ख़त्म। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।